2019 लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और सभी पार्टियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के गढ़ कन्नौज में रैली कर इसका शंखनाद भी कर दिया। योगी ने अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। राहुल पर कटाक्ष करते हुए हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर घेरा। कहीं चुनाव होते हैं तो ये मंदिर याद आती है, कहीं चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी को जन्म याद आता है, लेकिन मैं जानता हूं राहुल गांधी की चार पीढ़ियों ने जन्म धारण नहीं किया। भाइयों बहनों, मैं ये भी जानता हूं कि राहुल गांधी की चार पीढ़ियां मंदिरों का अपमान करती रही, लगातार अपमान करती रही, लेकिन जब भारत की वास्तविक ताकत का एहसास कांग्रेस को होता है तो राहुल गांधी को मंदिर नजर आने लगते हैं। वो मंदिर मंदिर जाकर के यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं भी हिंदू हूं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि मंदिर जाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है, वे जाएं। आतंकवाद के मुद्दे पर योगी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के साथ है। मुझे लगता है यही स्थिति देश के अंदर है। आज जब आतंकवादियों और उग्रवादियों के साथ कठोरता के साथ निपटने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है तो सबसे ज्यादा बुरा कांग्रेस को लगता है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ ये दिखता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको जो भी लोग भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी ने अपने चुनावी जनसभा के दौरान आरक्षण के मुद्दे को उठाया। बीएचयू में आरक्षण मिलने और एएमयू में आरक्षण न मिलने पर विपक्ष को घेरा। प्रश्न ये भी पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो लोग कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा, उनसे पूछा जाना चाहिए क्या कि दलित भाइयों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इस बात को कब उठाने का कार्य वो करेंगे? आखिर इन विश्वविद्यालयों में सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिल सकती है, जो पूज्य माधवी जी की धरोहर है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था और काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, अगर वहां पर दलित और पिछड़े छात्रों को आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल सकता? हम इस बात की मांग आगे थोड़ी मांग के साथ ही योगी ने अपनी और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। आज गुमराह करने का प्रयास हो रहा है और गुमराह करने का प्रयास किस रूप में हो रहा है किसी से नहीं छुपा है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवास बनाने का कार्य करती है तो किसी दलित, किसी गरीब, किसी कमजोर और किसी अति पिछड़ी जाति के ही व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है? हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ये जो 12 लाख से अधिक आवास प्रदेश के अंदर एक वर्ष में हम लोगों ने दिए हैं, ये किसी दलित, किसी गरीब और किसी वंचित को ही दिए हैं। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी का विधायक या विधायिका, सांसद या नेता नहीं ले रहा है, ये लाभ गरीब और वंचित और दलित ले रहा है। अगर 72 लाख शौचालय प्रदेश के अंदर एक वर्ष में बने, अगर 46 लाख कनेक्शन विद्युत के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दिए, अगर 72 लाख 50,000 उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए तो किसी गरीब, किसी दलित, किसी वंचित और किसी किसान को ही दिए। अगर 86 लाख किसानों का कर्ज माफी करने का कार्य किया तो वह भी प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी वंचित किसान का किया गया। रैलियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी पूरे चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हर राज्य का दौरा कर रहे हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में पहले से अधिक सीटें लाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कन्नौज से नित्य प्रकाश मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी।